नमस्कार। आई हम ये बोल रहे हैं कि हम मेन आदमी हैं सपा के, और सपा में एक ही बात मशहूर है कि हम लोग पलटी नहीं मारते, लेकिन यहाँ पे यूपी में ये पलटती रहती है। आप देखिए, राहुल बाबा यहाँ आए थे, उनका हमने हाथ पकड़ा, हम हारे, वो पलट गए। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। हमारे पिताजी, उन्होंने बात की, हमने उनसे बात की, हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको पूरा समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कान में जाने क्या बोली, वो पलट गए। जब ये सब लोग पलट रहे हैं, यहाँ पे सीधी सीधी गाड़ी पलट जाती है, उल्टी हो जाती है साहब। इस चीज़ का हमें कुछ पता ना आया था, कहाँ है, क्या हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ पलटी है, और हम पे सवाल उठ रहा है कि ये जो चीज़ है वो आपने पलट के धर दी। हमने थोड़ी कुछ पलटा है, यहाँ के पानी में ही कछु ऐसा है। आप अगर गाड़ी के अंदर डीजल के बदले, पेट्रोल के बदले, इसमें अगर आप थोड़ा सा पानी डालोगे, पलट जाएगी, पलट जाएगी, हम आपको बता रहे हैं। और इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, ये दोष केवल पानी का है, ना प्रधानमंत्री जी का है, ना हमारा है, बता रहे हैं। अब बात आती है जी, हाँ, हमसे ये बात कही गई कि आपने यहाँ पे उन्हें भगाया है, किसे, विकास। देखो, जब विकास खुद पलट गया, सीधा सीधा कहीं एमपी से चला था, महाकाल में पकड़ा गया है, हैं, और यूपी से कहीं चला था, कहाँ, मैं ये नहीं समझ में आती है कि जिस भी चीज़ का ठेका फोड़ना होता है, आप सिर्फ सपा पे चले जाते हो, आपसे हमारी सरकार को, पहली वाली को आप दोष देते हो, क्यों देते हो? आप पहले कभी आए हैं यूपी? पहले आए तो पता होता कहीं पे भी विकास का नामो निशान नहीं था, सिवाय सफा, वो कौन सी थी, वो हमारी सफाई के, वहाँ बिल्कुल साफ सफाई थी, रोडें बिल्कुल मक्खन थी, लेकिन उसके अलावा कहीं पे विकास नहीं दिखता था। तो जब विकास से हमारा कोई लेना देना पहले से ही नहीं है, ना हमने कहीं विकास किया, ना होने दिया, ना उसको कभी बढ़ावा दिया, तो हम किस बात का विकास विकास चिल्ला रहे हैं? आप इसकी निष्पक्षता से जाँच कीजिए। हम छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि हम इसके अंदर अगर कहीं भी कुछ पाए गए, तो भले हमारे पिताजी को दूसरे कान में प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना पड़े, हम बुलवाएंगे, लेकिन हम गलत नहीं हैं। अब हम चाहते हैं आप इसकी जांच कराएं, और आपको पता है जांच में ना तो पहले कभी कछु मिली है, ना आप कछु मिलेगा, पर फिर भी हम यही बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं, हम पलटी मारने वालों में से नहीं हैं। वो बात अलग है कि यहाँ का पानी हम तीन चार बार पी लें, उसके बाद फिर कुछ हो जाए तो हम उसमें कछु न कहेंगे। जय भारत।